हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने गोभी को गर्म पानी से धो के और हल्का सा सुखा के रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आप देख सकते हैं कि मैंने गोभी के ना तो बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे टुकड़े दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। मैदा लाल मिर्च नमक थोड़ा सा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पे सारी रेड चिली डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रही थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसको लिक्विड उसमें नहीं करना है। जैसे हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं, हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स और गोभी अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हमारे इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो उसमें क्रिस्प नहीं आएगा, इसलिए हमें बहुत कम पानी डालना है ताकि जो मैदा और कॉर्न फ्लावर है वो इसमें कोट हो जाए। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम तेल को गरम करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके गोभी को फ्राई करना शुरू करेंगे। मैंने एक साथ ज़्यादा पीस नहीं डाले हैं ताकि गोभी अच्छे से और क्रिस्पी हो, इसलिए मैंने इसे हल्की आंच पे फ्राई करना शुरू किया। आप देख सकते हैं गोभी का कलर थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। हम बस उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि वो एक तरफ से ज़्यादा सिक ना जाए। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि गोभी फ्राई करने के टाइम पे ज़्यादा फ्राई ना हो जाए, नहीं तो उसमें जलने का टेस्ट आ जाए। इसी तरह से ही हमें अपनी बाकी की गोभी को भी फ्राई कर लेना है। और लगभग हमारी गोभी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल।
यहाँ मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। अब हम इसको गरम होने देंगे और गरम होने के बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें गार्लिक ऐड करेंगे जो हमने काट के रखा है, और उसको तब तक भुनेंगे जब तक वो थोड़ा सा ब्राउन ना दिखने लगे। लहसुन भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। और हरी मिर्च, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब देख सकते हैं हमारा प्याज भी हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हमने इसमें एक छोटा चम्मच विनीगर और एक छोटा चम्मच सोया सॉस ऐड कर दिया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस मीडियम है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप, एक छोटा चम्मच ग्रीन सॉस, एक छोटा चम्मच थोड़ी सी स्प्रिंग अनियंस को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें उसको क्रंची ही रखना है ताकि हमारे मंचूरियन में और स्वाद आए। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने गोभी फ्राई करने से भी पहले गोभी में भी नमक को ऐड किया था। अब हम इसमें फ्राई करी हुई गोभी को ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ड्राई मंचूरियन ही बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको मार्केट जैसा भी बना सकते हैं। तो आपको गोभी डालने से पहले उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा,
और कॉर्न फ्लावर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इसमें डालना है, ताकि जो उसकी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। और उसके बाद आप अपनी गोभी को उसमें ऐड करके और थोड़ी सी देर के लिए ही पकाएं। तो देखिए हमारी गोभी मंचूरियन तैयार है। अभी मैं इसको थोड़ा सा तेज फ्लेम में पका रही हूँ, ताकि ये जल्दी से भुन जाए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी गोभी बाकी सारे इंग्रेडिएंट पक चुके हैं। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मेरे को इस पे और काम करने में मदद करेंगे। आप देख सकते हैं गोभी मंचूरियन कितना